हेलो एवरीवन, दिस इज गिरिराज यादव। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करना है और अपने को ये शो करना है। तो सबसे पहले मैं LHS लेके चल देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी ये, लिख देता हूँ 0a - b, माइनस ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है अपने को, देखो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को बहुत से तरीके से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को बेस्ट लग रहा है मैं वो वाला बता रहा हूँ, ठीक है, जो इजी है, ठीक है। अच्छा, वो बता देता हूँ, अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो बता दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अपने को इक्वल टू जीरो लाना है। तो बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट बन सकता है क्या, कि दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल कर दे अपन कैसे भी, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती, तो इसकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो वही करने का ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं ऐसे 1/c (c) लिख सकता हूँ, c से डिवाइड कर दिया, c से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब अपन कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो में से लेते हैं, तो अगर अंदर कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो एक रो में ही होगा, किसी में भी कर दे अपन अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अपने लिए फायदा है R1 में करना, तो मैं R1 में C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले C से अंदर R1 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आया, 0ac और ये आया -bc, माइनस ए जीरो, ये दोनों रो सेम। अब यहाँ पे अपन क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे जीरो बनाने तो लगा सकते हैं R1 changes to R1 - BR2, ठीक है, R1 में से R2 को B से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, ठीक है। चलो तो लिख देता हूँ मैं R1 के 0ac और -bc, ठीक है, और -b से मल्टीप्लाई करना है R2 को, तो क्या आया, प्लस का ab, ये तो जीरो रहेगा, ठीक है, और -b से मल्टीप्लाई किया तो +bc, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ab ac और ये जीरो, ठीक है। चलो तो लिख देता हूँ मैं आगे, तो ये अपना 1/c था, तो अपने एलिमेंट आए थे ab ac और जीरो, ab ac और जीरो, ये -a 0 - c, -a 0 - c और bc 0। अच्छा, अपन कॉमन भी तो ले सकते हैं, देखो ध्यान से, R1 में से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ये है उसमें तो ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। अच्छा, ए कॉमन लिया मैंने तो क्या बनेगा, a/c आ जाएगा बाहर, तो ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, bc 0 - a 0 - c और bc 0। क्या लग रहा है, R1 और R3 दोनों कैसी हो गई, आइडेंटिकल। जब अपनी R1 और अपनी R3 आइडेंटिकल होगी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, कौन सी प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टी लिख देना, तो a/c (0) करोगे तो जीरो, जो कि अपना आ गया राइट हैंड साइड। बस अपने को ये ही शो करना था, ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लो क्या किया अपने को, ये दे रखा डिटर्मिनेंट, पहले मैंने 1/c (c) किया, c को अंदर R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑपरेशन लगा दी, ठीक है। इस ऑपरेशन का फ़ायदा क्या हुआ, कि इस ऑपरेशन लगाने के बाद, एक कॉमन लेने के बाद, अपना ये दोनों रो सेम हो जाएगी और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।